अभी तक आपने शादियाँ तो बहुत देखी होंगी, लेकिन हम आपको एक अनोखी शादी दिखाएंगे। ये शादी किसी इंसान की नहीं, बल्कि ये शादी है दो कुत्तों की। यहाँ दूल्हा भी कुत्ता है और दुल्हन भी, लेकिन बराती हैं इंसान। और दावत भी दी गई और दहेज भी। मामला प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर कोराव के महुली गांव की है। प्रयागराज के कोराव इलाके के महुली गांव में इस वक्त रौनक है। क्योंकि यहाँ बारात आ रही है। बारात, बाजा, बाराती सब हैं, लेकिन दूल्हा एक कुत्ता है। जिसे मोर मुकुट पहनाया गया है, पैर में मुहावर भी लगा है और दुल्हन भी है। दोनों की पूरे रस्म और रिवाज से सात फेरे कराए गए। बारातियों को खाना भी खिलाया गया और दहेज बाजी दिया गया। इसके बाद दुल्हन की विदाई की गई। शादी का कार्ड छापा गया। सैकड़ों मेहमानों को दावत दी गई। इस इलाके में शादी की बड़ी चर्चा है। शादी है राजपाल नाम के कुत्ते और राजरानी नाम की कुतिया की। ये कोई इंसान नहीं, बल्कि वो कुत्ते हैं जिनकी बारात में शामिल होने ये सैकड़ों बाराती आए हैं। परिजनों के मुताबिक ऐसा विवाह कुंडली के दोष से मुक्त कराने के लिए की गई है, जिससे कि कुंडली के दोषों से प्रभावित होने वाले दंपति के जीवन में कोई कष्ट ना आए। हाँ साहब, जैसे बच्चों परिवार के इस तरह उसको रखे थे ना, उसी तरह से उसको शादी हम किए थे, जैसा देश रिवाज के सहित होता था उसी ढंग से किए थे। तो क्या हिंदू रीति रिवाज के तहत आपने ये शादी की है? हाँ, हिंदू रिवाज। क्या ऐसे पंडित जी लोग आए थे? हाँ, पंडित जी मौके पर तो नहीं आए थे, जयमाल द्वारा हुआ था। अच्छा, तो बाजा वजा किए थे, मतलब बारात गई थी? हाँ, बाजा था उसमें और बिरहा भी था उसमें, बिरहा रहा, बाजा रहा और यही सब आटन। गाड़ी साथ से रही थी, लेकिन रोड के वजह से नहीं गई थी मौके पर। गांव के लोगों का मानना है कि ऐसा करने पर ग्रह दोषों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है।